अपोलो कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, एडमिशन ओपन नर्सरी से क्लास 12। बालाघाट जिले का एकमात्र सबसे विश्वसनीय और कम फीस वाला स्कूल, जहां आप पाएंगे अपने बच्चों के लिए पूर्णतः अनुशासनात्मक वातावरण। इस सत्र से पूर्णतः ई लर्निंग क्लासेस, अवार्ड विनिंग लर्निंग किट्स बॉय एडुवेट, विशाल खेल परिसर, विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल, रेगुलर योगा मेडिटेशन एवं कराटे प्रशिक्षण, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लासेस, बाकी स्कूलों से कम फीस पर बस सुविधा भी उपलब्ध। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, आउटडोर पिकनिक, जब इतना सब कुछ है तो फिर सोच क्या रहे हैं। फौरन चले आइए, एडमिशन ओपन है। पता, अपोलो कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, फ्रेंड्स कॉलोनी, वार्ड नंबर 4, बैहर रोड, बालाघाट। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, एंड अपोलो इज सिनोनिम्स ऑफ एजुकेशन। अ मॉडर्न एटमॉस्फेयर विद ई लर्निंग क्लासेस बॉन्ड साइमल्टेनियसली विद आवर इंडियन वैल्यूज। द अपोलो प्रोवाइड अस अ बैलेंस्ड एजुकेशन दैट हेल्प्स अवर स्टूडेंट इंप्रूविंग फिजिकली एंड मेंटली। गुड एजुकेशन इन वेरी गुड प्राइस। वी आर नॉट लेस देन एनी बिग स्कूल इन एनी बिग सिटी। वी लव अपोलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मुख्यमंत्री किसान की ब्याज माफी योजना के अंतर्गत उकवा सहकारी सोसाइटी में मंडल अध्यक्ष अमित बिसेन जी, किसान मोर्चा अध्यक्ष हेमराज बिसेन जी, तरुण रावल जी, तपेश घुले जी, संतलाल सरसम जी, सोनबती मदावी जी, मैनेजर जितावर जी, अंकित बिसेन जी एवं समस्त किसानों के साथ उपस्थित होकर पूजा अर्चना की गई और ब्याज माफी के पत्र किसानों को प्रदान किए गए। आज का दिन किसानों के लिए ऐतिहासिक है। किसानों के लिए समर्पित भाजपा की केंद्र सरकार और एमपी की भाजपा सरकार द्वारा हमेशा से चिंता की जाती है। इसके अंतर्गत आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रथम चरण में 80 लाख किसानों की ब्याज माफ़ी की गई। कुल 8 लाख किसानों को इस योजना का लाभ प्रदान किया गया। आज लगभग 2183 करोड़ की ब्याज माफ़ी की गई। इसी प्रकार केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बीमा की राशि सीधी किसानों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से डाली गई। उकवा के 293 किसानों का ब्याज माफ़ किया गया। समस्त किसानों में हर्ष व्याप्त है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी के प्रति किसानों ने धन्यवाद प्रेषित किया है। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार, घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर